औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियों के परिचालन के लिए सरकार की ओर से संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन के चलते किए गए हैं। आपको बता दें कि जिलों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में 14 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के बहुत ज्यादा केस नहीं है। करनाल जिला भी उसमें शामिल है। सरकार की ओर से इन जिलों में औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियों के परिचालन के लिए अनुमति का प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद मंजूरी मिल सकेगी। इस प्रक्रिया में जिला में स्थित किसी अधिकारी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जारी गाइडलाइन की जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि स्वतः अनुमति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा, जिसके तहत 50% स्टाफ का काम पर लगना होगा। पोर्टल पर आवेदन के समय सभी नियमों का पालन करने की स्वयं घोषणा करनी होगी। इसके बाद स्वतः ही अनुमति मिल जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर अंदर काम शुरू करना होगा। संशोधित गाइडलाइन में नया क्या है, इसके बारे में उपायुक्त ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 15 से ज्यादा हो जाती है तो वहां सभी गतिविधियां बंद हो जाएंगी और लेबर आदि की व्यवस्था भी निरस्त कर दी जाएंगी। जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 तक पहुंचने पर मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि संख्या 15 तक पहुंचने की स्थिति में औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियां बंद करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि जिला में ADC, SDM और नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जैसे अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटियां जांच करेंगी कि किसे अनुमति प्रदान करनी है, जिसमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना देखी जाएगी, जिसमें संबंधित औद्योगिक मालिक अपने कामगारों को मास्क आदि उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की जाँच भी करवाएंगे। यदि जाँच के दौरान किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक व भवन निर्माण गतिविधियों के अलावा रेस्टोरेंट ढाबे पहले की तरह बंद रहेंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पहले की तरह नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। हरियाणा सरकार ने जो औद्योगिक इकाइयां हैं यानी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके परिचालन के लिए एक रिवाइज गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके संदर्भ में मैं कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। जितने भी हरियाणा सरकार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। उसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स वो जिले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस अभी नहीं हैं। उन 14 वाले ग्रुप में करनाल भी एक ग्रुप है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो उद्योगों के परिचालन की अनुमति है यानी इंडस्ट्रीज को चलाने की परमिशन जो है वो ऑटो अप्रूवल कर दी गई है। यानी करनाल में अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अगर अपना संचालन करना चाहती हैं, उनको चलाना चाहते हैं, तो वो सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करें और उनको ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा, अपने आप ही उनको मंजूरी मिल जाएगी। उसके लिए किसी अधिकारी की अप्रूवल की या परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें शर्त ये रखी गई है कि वो जो इंडस्ट्री है वो जितना उसकी वर्कफोर्स है उसके 50% वर्कफोर्स के साथ ऑपरेट करेगी। जो गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक SOP बनाया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो भी करेंगे और उसका एक अप्रूवल भी सरल हरियाणा पोर्टल पर अपलोड करेंगे और साथ ही एक डिक्लेरेशन भी डालेंगे कि वो कोविड संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये सारी जानकारी अपलोड करते ही सरल हरियाणा पोर्टल पे उनको स्वतः अप्रूवल मिल जाएगी, ऑटो अप्रूवल मिल जाएगी। उनको किसी भी ऑफिशियल अप्रूवल की आवश्यकता नहीं रहेगी और उसके बाद वो अपनी जो कार्रवाई है इंडस्ट्री की वो आगे कर सकते हैं। इसमें एक चेक रखा गया है कि अगर जिले में कोविड केसेस की संख्या 15 से ज़्यादा होती है या 15 तक पहुंचती हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ स्वतः ही बंद करनी पड़ेंगी। सारी इंडस्ट्रियल यूनिट, सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये सारी बंद हो जाएंगी और इनको लेबर की मूवमेंट के बारे में या इनके खुद के संचालन के बारे में जो भी परमिशंस मिली थी वो भी निरस्त समझी जाएंगी। तो इसके लिए जैसे ही जिले में कोविड पेशेंट्स की संख्या 10 पहुँचेगी तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ को मैसेज के जरिए सूचित कर दिया जाएगा, मीडिया के जरिए सूचित कर दिया जाएगा कि जिले में कोविड पेशेंट्स की संख्या 10 हो गई है और अगर 15 होती है तो आपको अपनी कार्य बंद करना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। और जैसे ही अगर कोविड पेशेंट्स की संख्या 15 पहुँचती है तो इन सभी संस्थानों को, उद्योगों को तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। इनको जो भी परमिशन, चाहे वो लेबर की मूवमेंट की हो चाहे वो गुड्स की मूवमेंट की हो, वो स्वतः ही कैंसिल समझी जाएगी।
जैसे ही परमिशन इनको मिलेगी उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर इनको अपनी इंडस्ट्री शुरू करनी होगी, अदरवाइज वो परमिशन कैंसिल समझी जाएगी। और चूंकि अब स्वतः अप्रूवल की प्रावधान कर दिया गया है, ऑटो अप्रूवल का प्रावधान कर दिया गया है, तो चूंकि इंडस्ट्री को अप्रूवल तो अपने आप मिल जाएगी, इसलिए हमने जिले में 6 ऐसी टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हैं हमारे SDMs की अध्यक्षता में, ADC साहब की अध्यक्षता में और जॉइंट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अध्यक्षता में, जो इन इंडस्ट्रीज की विजिट करेंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि वो कोविड संबंधित सभी दिशा निर्देश पालन करते हों। इन दिशा निर्देशों में जैसे वो अपने जो लेबर को लगाएंगे उनको प्रॉपर मास्क देंगे, उनको सैनिटाइजर मुहैया करवाएंगे, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवाएंगे और उनकी स्वास्थ्य जांच समय समय पे करते रहेंगे, और अगर उनमें से कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट मिलता है तो तुरंत जिला प्रशासन को और हेल्थ अथॉरिटीज़ को सूचित करेंगे। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री ये इन सब नॉर्म्स में से किसी का भी पालन नहीं करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बार दोबारा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि करनाल जिले में जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको सरल हरियाणा पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद अपने आप स्वतः अप्रूवल का प्रावधान कर दिया गया है, उनको किसी भी अप्रूवल की ऑफिशियल से अधिकारियों से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो प्रावधान है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर लागू होते हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ढाबे हैं, वो पहले की तरह पूर्णतया बंद रहेंगे पूरे जिले में। मुझे उम्मीद है कि ये जो नियम बनाए गए हैं इन हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ऑफिशियल्स इनका पालन करेंगे और हम प्रशासन का उसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे जिस तरीके से ये सहयोग करते आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.